अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम गाजर का हलवा बनाने जा रहे हैं। बहुत ताज़ा और बहुत अच्छी गाजरें आई हुई हैं, सर्दियों का मौसम है तो मैंने सोचा आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर करते हैं। 2 किलो मैंने गाजरें लिए हैं, उनको अच्छे से वॉश करके उनका छिलका उतारा है और फिर हमने उसको क्रश कर लेना है। ठीक है, ये चाहिए होगा कद्दूकस से आप कर लें। ये चाहिए होगा 2 किलो गाजर भी। शुगर हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, वैसे मैं 1.5 जो नॉर्मल कप होता है चाय वाला उतनी मैंने शुगर ली है 2 किलो गाजरों के लिए। एक लीटर फुल फैट हमें दूध चाहिए होगा, खोया हमें चाहिए होगा तकरीबन 1 पाव, बादाम मैंने गार्निशिंग के लिए पील ऑफ भी कर लिए हैं और काट कर भी रख दिए हैं, ये चाहिए होंगे, और इलायची पाउडर चाहिए होगा। केवड़ा बटर भी ऑप्शनल है, कुछ लोगों को उसका फ्लेवर नहीं पसंद होता तो वैसे मैंने ही डाल दिया। अगर आप ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। गार्निशिंग में बहुत सी ऑप्शन होती हैं, आपको जो पसंद हो आप वो बीच में ऐड कर लें, गार्निश कर लें उसे। मैं खोए से फिलहाल करूँगी और 1.5 कप के करीब हमें तकरीबन चाहिए होगा घी, देसी घी जिसमें भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बड़ा बर्तन ले लिया है मैंने, देखिए उसको चूल्हे पर रख दिया, उसमें हम आराम से अपना ये गाजर जो करे क्रश किए हैं ये हम डालेंगे। फिलहाल तो आपको बहुत ज़्यादा लग रही होंगी, बनकर जो है इनका हजम कम हो जाता है, ये सारी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके अंदर हम डाल देंगे 1 लीटर दूध, इसको हम कर देंगे मिक्स और लो टू मीडियम पे हम इसको पकने देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। बीच में आप चेक करते रहिएगा। पच्चीस मिनट हो गए हैं तकरीबन फ्रेंड्स, ये देखिए अब हमने इसको 25 मिनट और पकाना है शुगर ऐड करके। शुगर को हम ऐड करके तो इसको 15 मिनट्स दम पे लगा के फिर एक दफ़ा देखेंगे, 10 मिनट्स का मिक्स कर लें इसको अच्छे से शुगर को ताकि हमारी कैरेट जो है वो अच्छे से गल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, गाजर जो है हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब हमने इसको हाई फ्लेम मैंने कर दी है, इसको ड्राई करना है। जब बिल्कुल ये ड्राई हो जाएंगे ना देन हमने इसमें खोया ऐड करना है। अभी अच्छा मुझे शुगर जो है वो कम हमारे घर में पसंद की जाती है तो इसलिए मैंने कम डाली। आप चाहें तो 2 किलो गाजर में 2 कप डालें, 1.5 कप घी। अच्छा इस स्टेज पर मैं इसमें डाल दूँगी इलायची पाउडर, साथ साथ पक रहा है ये, अभी हमने इसमें घी ऐड नहीं किया। कुछ बादाम जो है हम इसके अंदर डाल देंगे, कुछ हम गार्निशिंग के लिए रख देंगे। साथ साथ हम इसको मिक्स करते जाएंगे। 25-25 मिनट हमने इसको 2 दफ़ा पकाया है अच्छे से। हम जब तक पानी इसका सही से ड्राई नहीं हो जाता हम इसको पकाएंगे अच्छे से। पानी ऑलमोस्ट इसका हो गया है ड्राई, मीठा हमने चख लिया है, ठीक है। अब हम इसमें घी डाल के इसको अच्छे से लेंगे। देर तक तो कोई दम घी था इसमें, आपने इसको भूना है मीडियम फ्लेम पर। अब तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने इसको इसी तरह से भूनते रहना है। 15 मिनट मैं इसको भून लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना। देखिए फ्रेंड, हमने इसकी तब तक भुनाई करते ही रहना है जब तक कि ऑयल ना उतर आ जाए। देखिए ऐसा लग रहा है ऑयल डाला ही नहीं, लेकिन जो आप इसको पकाते जाएंगे ऑयल जो है खुद से नजर आने लग जाएगा। साथ आपने चलाना है इस पर ताकि हमारा हलवा नीचे न लगे, जले नहीं, जल गया तो सारा इसका मिन्नत आपकी ख़राब हो जाएगी। साथ साथ ये मिक्स करते रहें और ऑयल के ऊपर आने का मीडियम फ्लेम पर इसका वेट करें। ये देखिए फ्रेंड्स, ऑयल आना लग गया है साइडों पर। अभी क्या करेंगे हम इसमें डाल देंगे खोया, 1 पाव के करीब खोया है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। हमने रखा है गार्निशिंग के लिए, ये खोए को हमने मिक्स कर देंगे। गाजर का हलवा हो,
सर्दियों में तो बहुत मज़ा आता है, आप बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा ऑलमोस्ट रेडी है गाजर का हलवा। अभी हम इसको बस 2-3 मिनट्स पका लेंगे और आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अगर लगे आपको कि मेरी रेसिपीज आपके लिए हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।